व्लॉग्स और कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और जैसे कि आपने हमारा टाइटल देख ही लिया है, आज है आलू के पापा का बर्थडे और अभी 11:15 बज चुके हैं। सेलिब्रेशन करेंगे, ज़्यादा मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि आलू है ना मेरे साथ में ही रहता है बार बार। जितना भी करती हूँ बहुत दिल से करती हूँ। गाइस, मैंने क्या बर्थडे गिफ्ट दिया है आपको ज़रूर जानने को मिलेगा, बने रहिए मेरे ब्लॉग में। सो यस फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है मुझे वीडियो शूटिंग करने में और एडिटिंग करने में एक वीक जितना टाइम लग जाता है, तो ये एक वीक पुराना वीडियो है। सो यस गाइस, मैंने छोटा सा बर्थडे बैनर लगा दिया था। 2:30 बजे है और आरू जस्ट अभी उठा है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। मैंने सुबह केक बनाया था, वो मेरे साथ ही था इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। और ये ओरियो केक, ओरियो बिस्किट का केक है, तो जैसा तैसा बना है देख लेना आप। सो यस, मेरा तो यही मानना है कि जो भी अपनों के लिए काम करो ना तो वो दिल से करो, बाकी दिमाग का तो यूज़ ही मत करो। और यहाँ पे मैंने ओरियो केक बनाया था ओरियो बिस्किट से, जो है ना वाइट क्रीम का पार्ट होता है ना वो एक साइड पे लगाया था और चॉकलेट न्यूटेला चॉकलेट था तो वो साइड के पार्ट में लगाया था। आरू कब से पापा का वेट कर रहा है, बस अब पापा आने ही वाले हैं। और जो ये आरू ने बर्थडे केक पहना हुआ है ना, तो वो हम खरीद के नहीं लाए हैं, वो जो उसके बर्थडे का था ना वही मैंने रखा हुआ था। मैं यूज़ करती रहती हूँ ऐसे ऐसे और मैं कुछ नया खरीद के नहीं लाई थी। जो बर्थडे बैनर था ना वो भी आरू के बर्थडे का ही था, तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, बस थोड़ा सा लगा लिया तो ऐसा लगता है ना कि यार बर्थडे है। चलो पप्पा ने पची कहीस। सो यस, यहाँ पे है ना मैं आरू के पापा उससे पूछ रही थी कि केक कैसा बना है, तो मेरा मुंह देख रहे थे, फिर मुझे थोड़ा सा चखाया तो फिर मैंने बोला नहीं चलो ठीक ही बना है, मतलब इतना ज़्यादा भी ख़राब नहीं हुआ है। मतलब जो भी करती हूँ ना दिल से करती हूँ, अपनों के लिए तो करना ही चाहिए है ना। और यहाँ पे अब बारी आती है कि मैंने उनको क्या बर्थडे गिफ्ट दिया। तो मैं जो बर्थडे गिफ्ट लाई थी उनके सामने ही लाई थी, क्योंकि अगर नाप वाप नहीं आए ना तो फिर परेशानी हो जाती है चेंज करवाना है नहीं करवाना, उससे तो अच्छा है कि वो मेरे साथ ही रहे, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो मुझे पहनाना चाहिए रिंग, तो आरू पहना रहा था। फिर हमारा यही था छोटा सा सेलिब्रेशन और फिर डिनर के लिए जाना था बाहर। यहाँ पे मैंने वियर किया ब्लू टॉप, उसके साथ थोड़ा सा मेकअप कर लिया और फटाफट हम लोग पहुँचे इंडिया पैलेस। हमारे साथ हमारे फ्रेंड भी थे इसलिए मैं शूटिंग नहीं कर पाई, पर बहुत यम्मी खाना था और बस हम लोग फिर घर के लिए निकले। हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।